तो देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई यहाँ बूथ तक पहुंच रहा है और तीनों सीटों पर मतदान करता हुआ भी नजर आ रहा है। झारखंड की तीन सीटों पर दोपहर तक 41.89% वोटिंग हुआ है। इसी पर हम बात करेंगे सीमा सिंह से, जो कि बीजेपी से आए हैं, उनका रुख कर लेते। देखिए, 41% का वोट अभी तक झारखंड में हुआ है, ये निराशाजनक नहीं है। लेकिन अगर इसका श्रेय हम अगर बात करेंगे तो किसे देना चाहेंगे? मौसम को, नेताओं को, किसे देना चाहेंगे बताइए, क्योंकि 41% हो चुका है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा सिंह। इसका श्रेय अभी आप अभी मतदान अभी उसको क्या बोलेंगे कि इंटरवल भी नहीं हुआ है और पूरी की पूरी तस्वीर आपको शाम तक दिखाई देगी। और आपने पिछला रिकॉर्ड देखा होगा कि झारखंड का जहां तक चुनाव का मतदान का परसेंटेज है, बहुत आसपास के जितने भी राज्य हैं उनसे बेहतर हुआ है। और उम्मीद है कि शाम तक ये पिछला रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। और इसका श्रेय सिर्फ आम जनता को जाता है, जो इतनी परेशानी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, पिछली बार बहुत तेज़ धूप थी उसके बावजूद भी जनता आई थी और अभी तक शाम तक पूरी की पूरी जनता आएगी और लोकतंत्र का यह महापर्व को पूरी तरह वो निभाएगी। अच्छा सीमा जी, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है, 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था और उस वक्त की अगर आंकड़ों की बात करें और अभी की आंकड़ों की बात करें तो क्या लगता है कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? ये लोकतंत्र का अपने ये पूरी दुनिया जानती है, उत्साह ये आम जनता में है और आप परसेंटेज देख रहे हैं तो इस रेशियो को आप आंकड़ों और रेशियो से नहीं, कहीं कहीं पिछले बार भी बोला जा रहा था कि वोटिंग में बहुत परसेंटेज कम है, इसलिए बहुत सारे विवाद भी आ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने शुरू से कोई संशय और किसी वादों और किसी तरह के मुद्दों पे नहीं, हम लोग जो विकसित योजनाओं के मुद्दों पे जनता के बीच आए हैं वो जनता 5 साल में जानती है, उसके भरोसे से वो हमको भी भरोसा है जी। इसलिए उनको हम लोग आंकड़ों में नहीं, हम लोग सुनिश्चित तौर पर ये जानते हैं कि नतीजा 4 जून को आएगा, आप भी जानेंगे और हम लोग को अभी से पता है कि जनता का मन क्या है और जनता किस तरफ से जाती है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ आम जनता को हम आपसे जानना चाहते हैं जनता का मन क्या है। देखिए, जनता का मन तो ये आम जनता का मन सिर्फ और विकसित और राष्ट्रहित के लिए सोचती है, वो कोई भी पार्टी करती है। तो हमारी जो कार्यशैली है और हमारी जो भाजपा जो कार्य करती है वो सिर्फ चुनावी मुद्दों पे नहीं करती, वो चुनाव के लिए नहीं करती है। हम लोग लगातार हर साल हर तरीके से हम लोग काम करते हैं, हर क्षेत्र में रूट तक जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो ये हम लोग जानते हैं। लेकिन ये बोलना जब तक रिजल्ट नहीं आता है, यदि आप हमसे मेरा मन व्यक्तिगत तौर पे मत जानना चाहती हैं तो बिल्कुल कोई संशय नहीं है, 4 जून का इंतजार करें और रिजल्ट सामने आएगा। चलिए, वो भी देख लेंगे, क्योंकि 4 जून ज्यादा दूर नहीं है और जनता का क्या मिजाज है वो भी देख लिया जाएगा। इसमें देखिए, जब भी हमने देखा है कि इस बार जो स्टार प्रचारक हमने देखा, बड़े बड़े यहाँ मोदी जी यहाँ लगातार प्रचार करते हुए नजर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, वो बड़े तमाम बड़े चेहरे जो है वो झारखंड की सरजमी पर उतरते हुए देखा गया है, क्या इसका फायदा मिलेगा इस बार? ये जो आप बोलते हैं कि स्टार प्रचारक मोदी जी का, आप पिछला 10 सालों से रिकॉर्ड देख लें तो उन्होंने कभी भी आराम नहीं किया, विश्राम नहीं किया। और ये जो दौरा उनका होता है ये राजनीतिक नहीं है, कार्यों के सिलसिले से होता है और हर बार होता है और 5 सालों में और भी कितनी बार आए हैं, तो ये हम लोग चुनावी दौरा नहीं बोलेंगे, स्टार प्रचारक नहीं बोलेंगे। अगर आप ये बात बोलेंगे कि ये चुनावी दौरा नहीं है, स्टार प्रचारक नहीं है, तो सवाल ऐसे में ये भी उठ जाएगा सीमा जी कि इससे पहले दौरा क्यों नहीं हो रहा था? नहीं, दौराओं की अगर आप संख्या की बात करेंगे तो चुनाव के ही लहर में सभी के दौरे होने लगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं, ये आप सुनिए, जी जी जी, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं, पहले मोहन यादव नहीं आए, पहले हेमंता जी नहीं आते हैं, अभी हेमंता जी आते हैं जब चुनाव के लहर होते। सवाल बड़े हैं, लेकिन सवाल बड़े हैं, डालेंगे सवाल बड़े हैं, सवाल बड़े हैं, पूछेंगे आपसे, वीणा जी से भी जानते हैं, आप आंसू को रिप्रेजेंट कर रही है वीणा जी यहाँ पर। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, कितनी तैयारी है? क्योंकि देखिए, कांटे की टक्कर है यहाँ पर, ये रास्ता आसान नहीं है, यह आग का दरिया है और इसमें डूब के जा रहा है। आसान लगता है रास्ता आंसू के लिए? जी, सबको पहले मेरा जोहार रहेगा जी। गिरिडीह की बात अगर आप कर रहे हैं, गिरिडीह की बात ही कर रहे हैं, तो गिरिडीह का राह आसान नहीं है ये कहना, मुझे तो आपके हिसाब से ये जानना पड़ेगा कि आप ये क्यों कह रहे हैं
क्योंकि मुझे तो गिरिडीह में वैसा कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं दिख रही है। जैसे आम जगह किसके लिए तकलीफ नहीं दिख रही, आंसू के लिए? आंसू के लिए, क्योंकि सभी जगह जैसे चुनाव से लड़ रहे हैं, चल रही है चुनाव, जैसे तीन चार प्रत्याशी अब सभी जगह पे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मतलब कांटे की टक्कर है, उसी तरह की टक्कर हर जगह पे दिख रही है। स्पेशली गिरिडीह के बारे में ये कहना कि आंसू का राह आसान नहीं होगा, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं सही लग रहा है? जब कंपटीशन दोनों तरफ है, जब आग दोनों तरफ बराबर लगा हुआ है, तो कंपटीशन आसान कैसे हो सकता है? देखिए, जब हम चुनाव इस चुनाव की बात करें तो हम इसमें जनता भी इस चीज पे आश्वस्त, जनता का रुझान है आंसू की तरफ, जनता भी आश्वस्त होती है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए नेता चुन रहे हैं। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी की जितनी भी योजनाएं थी उनको देख लीजिए, और राज्य का जो योजनाएं फेलियर हुई। लेकिन जब जमीन पर उतरते हमारे रिपोर्टर्स ने कई ग्राउंड जीरो रिपोर्ट किया, बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, आप डेवलपमेंट की बात लगातार यहाँ पर बीजेपी करती आ रही है, और हमने देखा है कि जब जमीन पर उतरे तो आईना यहाँ पर कुछ और ही दिख रहा है। गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह में पिछले 5 सालों से हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद रहे हैं, और उससे पहले जमीन के ही सभी लोग वहाँ पे सांसद रहे हैं, या फिर गठबंधन ईडी गठबंधन के लोग ही से रहे हैं। लेकिन जो उनके 5 साल में जो उनका कार्यकाल रहा, उस दौरान उन्होंने जनता के बीच में जितना कार्य किया, क्योंकि उनका नहीं कितना कार्य हुआ है ये जनता भी अब फैसला आ जाएगा तो पता चली जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।